तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी ने कहां कहां प्रयोग किया। बात करेंगे 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी ने पहला प्रयोग किया था, 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। ये केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे जिनको पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थी उसने अपना उम्मीदवार बनाया था। बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्नदास गुप्ता, इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तीनों हार गए। बाबुल सुप्रियो एक बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी हार गए। लॉकेट चटर्जी काफ़ी तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी चुनाव हार गए विधानसभा का। और स्वप्नदास गुप्ता ये भी हार गए। ये 3 सांसद थे, 2 सांसद और थे हालांकि उनको जीत मिली थी, उनकी भी बात कर लेते हैं जो जीते थे दोनों पश्चिम बंगाल 2021 के विधानसभा के चुनाव में। जीत किनकी हुई थी वो आप देख लीजिए। निशित प्रमाणिक ये जीत गए थे और जगन्नाथ सरकार ये भी चुनाव जीत गए थे, यानी 5 सांसदों को टिकट दिया था जिनमें निशित प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार, ये 2 लोग महज चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 3 इनके मौजूदा सांसद विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में हार गए थे, यानी मिशन कामयाब रहा लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहा। 40% तक सफलता मिली थी, पहला प्रयोग था। अब अगले प्रयोग की बात करते हैं, अगला प्रयोग इन्होंने कहां पर किया था, अगला प्रयोग कहां किया था वो भी आप देख लीजिए। किस राज्य में इन्होंने, केरल में इन्होंने नया प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों को लड़ा दिया केरल में, ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरी तरीके से धराशायी हो गया, फेल हो गया। राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी चुनाव लड़ाया विधानसभा का बीजेपी ने, और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद थे केजे अल्फेंस, ये भी, इनको भी चुनाव लड़ाया। 2-2 सांसदों को केरल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का विधायकी का चुनाव लड़ाया और दोनों सांसद हार गए, यानी केरल में पूरी तरीके से बीजेपी का ये मिशन फेल हो गया था, दोनों सांसद बुरी तरीके से हारे थे। अब तो इनके बाद अब बात कर लेते हैं अगला राज्य कहाँ था, क्योंकि बीजेपी ने कोई एक जगह प्रयोग नहीं किया या ना ये राजस्थान मध्य प्रदेश में पहली बार प्रयोग करने जा रही है। इसके बाद कहाँ बीजेपी ने प्रयोग किया वो भी आप प्रेस देख लिए। उत्तर प्रदेश लोकसभा से लेकर विधानसभा के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। SP सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से ये सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ाया लेकिन ये बुरी तरीके से हार गए थे, इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, आप ऐसे समझिए। केंद्रीय मंत्री थे और आगरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। तो यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी का मिशन और प्रयोग पूरी तरीके से फेल रहा था केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाने का। अब अगला राज्य कौन है जहां पर बीजेपी को फायदा मिला था, फायदा कहां मिला था वो आप समझिए। त्रिपुरा में इनको फायदा मिला था जब इन्होंने इसका प्रयोग किया था। प्रतिमा भौमिक नाम इनका है और ये केंद्रीय मंत्री थी, इनको त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री जो प्रतिभा भौमिक थी इनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि प्रतिमा भौमिक ने 68,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, यानी त्रिपुरा में बीजेपी का जो मिशन था केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का वो पूरी तरीके से सफल हुआ था और प्रतिमा भौमिक बाकायदा विधानसभा चुनकर पहुंची थी, विधायक बनी थी बीजेपी की टिकट पर, केंद्रीय मंत्री थी। तो कुल मिलाकर लगातार एक के बाद बीजेपी ऐसे प्रयोग कर रही है। एक के बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल में पहले 5 सांसदों को लड़ाया, 2 को जीत मिली, 3 हार गए। फिर हमने देखा किस तरीके से केरल में 2 सांसदों को लड़ाया, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल थे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों जो सांसद थे वो चुनाव हार गए। यूपी में हमने देखा जो SP बघेल हैं वो भी चुनाव हार गए, बीजेपी का जो मिशन था वो पूरी तरीके से फेल रहा। फायदा कहाँ मिला, फायदा केवल त्रिपुरा में मिला, प्रतिभा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री थी वो विधानसभा का चुनाव जीती और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने पाई थी विधायकी के रूप में। तो कुल मिलाकर वैसे में सवाल उठने लगा है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, 4 राज्यों में पहले प्रयोग कर चुकी है लेकिन सफलता ज़्यादा नहीं मिली है, फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग करना क्यों चाह रही है, क्यों मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया, क्यों राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।